सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जा सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि कुशीनगर जनपद के ग्राम अशोकवा में पिछले 3 महीनों में लगे सभी हैंडपंप खराब हो जाने के कारण बादामी देवी सहित कुल 3,000 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तबीयत खराब होते है, बुखार भी होता है, सर्दी होते है, खांसी भी होता है। इसके अलावा हम लोग सरकार भी कोनो पानी की व्यवस्था भी नहीं दिया गया। इसके लिए आप लोग प्रधान से बात किए थे? हम लोग सिर्फ प्रधान से बात किए है। जनवरी में 6 जनवरी को हम लोग तहसील से दरखास्त दिए है सरकारी नलका के लिए। इसी DM साहब को हम लोग जुलाई में 8 जुलाई को लेकर भी DM साहब की दरखास्त दिए है पानी सरकारी के लिए। हमारा पानी ठीक भी नहीं है, उसी को भी जाँच मेरे पास नहीं आए। पानी नलका का खराब हो गए बा, कोई के पानी पीते हैं या कोई के गैस बन जाता, कोई के टिटफाइट मल अथी हो जाता, बुखार हो जाता। हमारे परिवार कोई निरोग बा ना ही, यही से हम लोग परेशान में। हम लोग बन जाए गरीब आदमी, लोग पानी पीए के साधन बा ना ही, पानी पीते अमीर लोग बा तो खरीद के पानी पीता, हम लोग गरीब आदमी यही पानी पीते हैं या तो गरीब आदमी भूखे मरते हैं, खाना खाए के तो पैसा नहीं है, तो वो पानी खरीद के पानी पीने से कहाँ से आएगा। हम लोग यही पानी पीते हैं, यही पर बाट है, यही तरह तो कहाँ से हम लोग पानी खरीद के पिए भैया, हम लोग के पास पैसा नहीं बा। डॉक्टर लोग आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं पाइप को, जल निगम का पाइप देख रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं और उससे में दिखा रहे हैं कि हाँ यह पानी खराब निकल रहा है, उसका अब उपाय नहीं बता रहे हैं। गाँव में लगभग कितने हैंडपंप खराब हैं? गाँव में लगभग 85 से ऊपर हैंडपंप खराब हैं। जितने जल निगम का पाइप गड़ा हुआ है उसमें लगभग 90% पाइप खराब है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि अशोकवा गांव में लगे सभी हैंडपंपों की जांच कर सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए, ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि फाजीनगर ब्लॉक के SDM का नंबर 9454416284 है, जिस पर कॉल कर हमारी मदद करें। मैं माधुरी चौहान, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।